भारत में राजस्थान की एक अलग ही कला और संस्कृति है। राजे, रजवाड़े, किले, ठाट बाट, खान पान, रेत की टीले यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगर ये सब आपको एक ही जगह मिल जाए तो शायद आप चौंक जाएंगे, यकीन नहीं आता। तो चलिए आज हम आपको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया यानी कि जैसलमेर, एक ऐसी जगह जहाँ आपको पूरा राजस्थान एक ही जगह सिमटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ राजस्थानी लोक कला और संस्कृति की एक झलक आपको मिलेगी। यहाँ आयोजित होने वाले मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल, राजस्थान की कला और संस्कृति के इस प्रकार के प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1969 में, व आज भी 4 दशक बाद भी यह परंपरा इसी प्रकार जारी है। राजस्थान की शान कहे जाने वाले इस डेजर्ट फेस्टिवल के लिए लोग देश और विदेश से देखने के लिए आते हैं व राजस्थान के रंग में रंग जाते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल हर वर्ष माघ महीने की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा के दिन होता है, व वर्ष 2019 में ये 17, 18 और 19 फरवरी को होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे डेजर्ट फेस्टिवल में होता क्या है। डेजर्ट फेस्टिवल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें से साफा बांधना, लंबी मूछों की प्रतियोगिता, ऊँटों के श्रृंगार और शाने मरुधरा यानी कि मिस्टर डेजर्ट, और मटका दौड़, रस्साकशी, काइट शो, साथ में सबसे स्पेशल है BSF का कैमल रोड शो, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। सैलानियों में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा जा सकता है कि इस महोत्सव के दौरान देश के ही नहीं विदेश के सैलानी भी मरुधरा के रंगों में नंगे नजर आते हैं। इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि समय से पहले आकर कई विदेशी सैलानी यहाँ साफा बांधने की प्रतियोगिता में अपना हाथ आ, साथ ही साथ फैशन के इतने दौर में विदेशी सैलानी आकर जब राजस्थानी साफा बांधते हैं तो ये चीज़ किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती है। इस महोत्सव के दौरान मूंछ की प्रतियोगिता भी खासी चर्चित रहती है। इसके अलावा ऊँटों और घोड़ों का श्रृंगार कर उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाता है। सजे हुए ऊँटों और घोड़ों पर जब परंपरागत वाद्य यंत्रों पर लोग थिरकते हुए शोभा यात्रा में शरीक होते हैं तो यह नज़ारा मन को मोह लेता है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे इंतजाम किए जाते हैं, जैसे पोस्टर, बैनर, बिजली, पानी सहित तमाम। मरु महोत्सव का आगाज जैसलमेर की पहचान माने जाने वाले सोनार किले से की जाती है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर स्टेडियम तक पहुंचती है। वह मरु महोत्सव में राजस्थान की लोक कला और संस्कृति से संबंधित, इस मौके पर पर्यटन पाली वालों के मशहूर गांव कुलधरा की संस्कृति से रूबरू होते हैं और पतंग शो का आयोजन किया जाता है। साथ ही विख्यात कलाकारों के द्वारा यहाँ संगीत और नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। महोत्सव का समापन आतिशबाजी के साथ होता है।